हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तेजस टीचिंग क्लासेस। देखिए, मैंने इसमें पेन ड्राइव और टैबलेट रखा है, जो कि मैंने ये छोटा सा ट्रांसफर का पर्स स्टिच किया है। मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपको ज़्यादा यूज़ करते हैं और सामने दिखे, इसलिए मैंने ये स्टिच किया। अगर आप मेरा पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल कॉइन को भी बटन को क्लिक कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने ये प्लास्टिक कवर यूज़ किया है, जो कि हम रेडीमेड ड्रेस स्टिच करते हैं यानी कि खरीदते हैं, जो हम लोग उसमें मिलता है प्लास्टिक कवर, उसे मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया है। और ये लेस के पाइपिंग के लिए थोड़ा सा क्लॉथ लिया है और जिप लिया है। इसे मैंने 11 इंच का लंबाई है और 8.5 इंच का विथ है। आपकी चॉइस, आपको जितना लंबा और चौड़ा चाहिए आप उसी तरह से आप मेज़रमेंट ले सकते हैं। आप इसमें ये लेस भी यूज़ कर सकते हैं। इसे शगुन का कवर भी कहते हैं, जो कि लेस लगाकर स्टिच करते हैं। जिप को उल्टा रखना है और उसके ऊपर इस तरह से रख के स्टिच करना है। बाद में उसे फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, जो प्लास्टिक का जो कवर है थोड़ा अच्छे से हमें पकड़ना पड़ेगा। ये कवर थोड़ा ज़्यादा मोटा रहता है, जो फटने का चांसेस नहीं है, और उसको क्वालिटी भी अच्छी रहती है। देखिए, मैंने अटैच करके इस तरह से फोल्ड करके उसके ऊपर भी स्टरी स्टिच कर लिया है। अब इसे हम इसके ऊपर इस तरह से, देखिए ये सीधा है, इसके ऊपर से इस तरह स्टिच करेंगे और बाद में स्टिच करने के बाद उसे सीधा कर लेंगे, इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। आप इसे स्टिच करने के बाद आप उल्टा करके पाइपिंग कर सकते हैं, या फिर दूसरा भी चॉइस है, जो कि हम उसके जो जिप है जिप के पीछे से भी ऐसा लेके स्टिच कर सकते हैं। देखिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो मेन ये के सामने का पार्ट है, देखिए इसे मैं इसके ऊपर से अभी बता रही थी, जो कि आपको अगर पाइपिंग नहीं लगानी हो तो, अगर पाइपिंग लगानी है, लेस लगानी है, तो आप उल्टा करेंगे, उसके बैक साइड इस तरह से स्टिच कर लेंगे। देखिए, इस ये सामने का पार्ट है, उसके पीछे से हमने, देखिए सामने का जिप दिख रहा है, उसके पीछे मैंने ये सिर्फ उसके ऊपर जो ऊपर का जिप है वहाँ पर अटैच कर रही हूँ। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जो पाइपिंग लेस भी लगा सकते हैं तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, और जिप का जो ये पार्ट है पूरा स्टिच हो जाएगा और जो हमने अटैच किया है वो कुछ भी नहीं दिखेगा। देखिए, मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया। अब ऊपर जो स्टिच दिख रहा है, तो अब जब हम पाइपिंग करेंगे ना, तो वो पूरा उसके अंदर रह जाएगा, यानी कि हमने पाइपिंग करने के बाद उसके अंदर आ जाएगा और कुछ गंदा भी नहीं दिखेगा। मैंने ये क्लॉथ लिया है जो है, उसे देखिए, अब इसे मैं अच्छी तरह से फोल्ड करके, 1 इंच का चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, तो मैं इसे अच्छी तरह से फोल्ड करके 1 इंच का क्लॉथ कट कर लेती हूँ। आप 1.5 इंच का भी ले सकते हैं या 1 इंच का भी ले सकते हैं। लेने के बाद उसे डबल फोल्ड करके डायरेक्ट स्टिच कर लेना है, बाद में फोल्ड करके स्टिच करेंगे। आप 1.5 भी ले सकते हैं, आपको जितना मोटा पाइपिंग चाहिए उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। मैक्सिमम 1.5 और 1 लेते हैं, उससे ज़्यादा तो अच्छा नहीं लगता है, कम लेंगे तो भी चलेगा, आपको जितना पतला चाहिए आप ले सकते हैं। देखिए, इस तरह से फोल्ड करके उसके ऊपर स्टिच करके बाद में मैं फोल्ड करती चली जाऊँगी। तो इसे तीनों ओर लगाना है, इसलिए इस तरह से बस वहाँ पर तक लगाना है, इसलिए मैं इसके नीचे से अटैच करते चले जाऊँगी। यहाँ पे पाइपिंग भी हो जाएगा और क्लोज़ भी हो जाएगा, जो बाजू में भी हमने स्टिच नहीं किया था वो क्लोज़ भी हो जाएगा और पाइपिंग भी हो जाएगा। अंदर से भी अच्छा दिखेगा और बाहर से भी अच्छा दिखेगा। तो आप यहाँ पे लेस भी यूज़ कर सकते हैं या कुछ पैच वर्क भी यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर आराम से
गम से चिपका सकते हैं, पैच वर्क कर सकते हैं जो शगुन में यूज़ किया जाता है, अगर आपको उस तरह से भी यूज़ करना है तो कर सकते हैं। मैंने तो सिर्फ जिप को ऊपर ऊपर स्टिच किया है, आप सेंटर में ला के भी स्टिच कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, उसे पकड़ के सेंटर जिप को थोड़ा सेंटर में ला के बाद में स्टिच करते चले जाना है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कैसे स्टिच करना है और शगुन का कैसा स्टिच करते हैं और कैसा डेकोरेट करते हैं, मैं आपको ज़रूर वो भी एक वीडियो बनाऊँगी, तो आपको वो भी दिखाऊँगी। थोड़ा सा यहाँ पे एंडिंग में आगे पीछे हो जाता है, प्लास्टिक है तो थोड़ा केयर से स्टिच करना पड़ता है, इसलिए मैंने थोड़ा चीज़ें इस तरह कर लिया है। एंडिंग में देखिए कंप्लीट हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। देखिए मैंने ऊपर से जीप रखा है, आप सेंटर में भी रख सकते हैं। ओके, बड़ा चाहिए था मुझे इसलिए मैंने ऊपर रखा है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।